डरावनी रातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। क्या होती है हमारी शख्सियत? हमारी यादें ही तो होती हैं। हमारे दिमाग में वो स्टोर्ड मेमोरी, बचपन से हमने क्या क्या किया, हमारा नाम क्या है, हमने अपनी जिंदगी कैसे बिताई और भविष्य के क्या सपने देखे हुए हैं, यही तो हमारी शख्सियत होती है। लेकिन क्या हो अगर हमसे हमारी शख्सियत ही छीन ली जाए या कहीं खो जाए? मैं भी ऐसा ही एक साधारण इंसान हूं जिसने आंखें खोली जब बेड पर, तो मैं छत को देख रहा था। छत को देखता देखता मैं अपना नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा था। मैं कहां से आया हूं, यहां कैसे पहुंचा, कल मेरे साथ क्या हुआ था और आगे के क्या सपने सजाए हुए हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं घबराने लगा था। जब आपको कुछ याद ना आए तो आपके दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। क्या हुआ है मुझे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं बस ये सोचे जा रहा था। अचानक मेरी नजर इधर उधर घूमने लगी। ये दीवारों पर सफेद रंग का पेंट हुआ था, वहां बहुत सारी मशीनें पड़ी थी, वहां पर एक ड्रिप मेरी भी कलाई पर लगी हुई थी, यानी मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा, ये किसी अस्पताल का कमरा लग रहा था। सर में बार बार दर्द हुए जा रहा था, क्योंकि मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आखिर मैं यहां कैसे पहुंच गया। मन विचलित होता जा रहा था, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वहां मशीन में भी दिल की धड़कन तेज होने के कारण बार बार बीप की आवाज आने लगी थी। मैं उठना चाहता था, मेरी कलाइयां बांधी गई थी, मेरी पैर भी बांधे गए थे ताकि मैं उठकर भाग ना पाऊं, लेकिन मैं घबराने लगा था। ऐसा लगने लगा था मैं पागल हो जाऊंगा। सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी वो कमरे का दरवाजा खुला। 3-4 नर्स वहां पर आ चुकी थीं, जो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो बार बार कहे जा रही थी, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, डॉक्टर जल्दी आइए। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मेरी कलाई और पैर पर बंधी हुई वो बड़ी बड़ी पट्टियां, मैं उसे तोड़कर वहां से भागना चाहता था। मैं उनसे दूर भागना चाहता था क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैं कहां पर हूं। वो नर्स बार बार मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, जिस कारण मेरा सर फटा जा रहा था। तभी अचानक डॉक्टर आए, वो मेरे पास बैठे और मैं अब भी वहां से दूर जाने के लिए जोर लगाए जा रहा था, लेकिन उन्होंने नर्स को बाहर भेज दिया। कुछ समय के लिए मन थोड़ा शांत हुआ, तब डॉक्टर बोलने लगे, याद करने की कोशिश मत करो, सर पर जोर मत डालो, मत डालो, मैं तुम्हें कहता हूं, मुझ पर थोड़ा भरोसा करने की कोशिश करो, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है, दिमाग पर जोर मत डालो, धीरे धीरे मैं बताता हूं, मुझसे सवाल करो, मैं हर जवाब दूंगा, लेकिन इस तरह से जोर मत लगाओ, शरीर तुम्हारा कमजोर है, तुम्हारा सर भी अभी थोड़ा दर्द कर रहा होगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने जैसा कहा मैंने आंखें बंद की, बड़ी बड़ी सांस लेनी शुरू कर दी। उसके बाद दिल की धड़कन भी संभलती गई संभलती गई। मैंने याद करने की कोशिश नहीं की तो सर में दर्द भी नहीं हो रहा था। कुछ समय ऐसा करने के बाद मुझे सही महसूस होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने आंखें खोली तो वो डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, जोर मत डालो दिमाग पर, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण सर पर चोट लगी थी, तुम्हें जल्दी कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे याद आने लगेगा, ज्यादा जोर मत लगाओ, वो यादें धीरे धीरे आंखों के सामने घूमती जाएंगी, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, शरीर तुम्हारा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, देखो पूरे शरीर पर चोट के निशान नहीं है, सर पर भी चोट के निशान ढूंढना बहुत मुश्किल है, अंदरूनी चोट लगी थी, बस धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा, मेरा नाम क्या है, मुझे मेरा नाम तो बताओ। तो डॉक्टर ने कहा, माइकल, तुम्हारा नाम माइकल है, यहां कुछ लोग मिलने आए थे, वो तुम्हें माइकल माइकल ही कह रहे थे, तुम्हारी जेब में जो पर्स था वो किसी चोर ने चुरा लिया,
उसके बाद वो लोग ही जानते थे तुम्हारे बारे में, लेकिन वो जा चुके हैं। तुम्हारे परिवार का कोई मेंबर यहां पर नहीं आया, हमें तो खुद नहीं पता, हम बस तुम्हारे बारे में इतना ही जानते हैं। मैं अब थोड़ा सा शांत हो गया था और मैं उस डॉक्टर से कहने लगा था कब लगी थी मुझे चोट। तो उस डॉक्टर ने कहा 3 दिन हो चुके हैं, शरीर पर कोई चोट नहीं लगी थी, सर पर एक चोट का निशान था, बड़ा सा नीले रंग का गोला बना हुआ था जिस कारण हमें पता लगा कि दिमाग को अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन स्कैन में ज्यादा कुछ नहीं आया। हमें पता था याददाश्त में परेशानी तो होगी ही और तुम में अब लक्षण भी दिखने लगे हैं। तुम्हें आधा कोमा में कहा गया था लेकिन आज तुम्हें याद आ गई है, धीरे धीरे तुम्हें याददाश्त सारी सामने आ ही जाएगी, भरोसा रखो। मैंने उस पर सच में भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं उसे कह रहा था मेरे परिवार का कोई सदस्य, बहन, भाई, बीवी, बच्चा, कोई तो होगा यहां। डॉक्टर ने सर हिला दिया था, कोई नहीं है, हमने पुलिस को बताया था, पुलिस तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही है कि तुम कहां से आए हो, यहां क्या कर रहे थे, विदेश से आए हो या यहीं के रहने वाले हो। इसके बाद चोर को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। वहां लोगों ने कहा है कि तुम्हारी जेब में पर्स था, लेकिन यहां लाते वक्त तुम्हारी जेब में पर्स कहीं गिर गया या किसी ने चुरा लिया, इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है, तुम्हारा नाम बताकर वो लोग जा चुके हैं। मैंने कहा वो लोग, उन्हें ढूंढो, पुलिस उन्हें क्यों नहीं ढूंढ रही। तो वो कहने लगा पुलिस ढूंढ रही है लेकिन अब तक कोई मिल नहीं पा रहा है। मैं बस अकेला उस कमरे में बैठा था और डॉक्टर भी जा चुका था, छत को बार बार देखे जा रहा था और मैं चाहता था यहां से उठूं, खुद की जानकारी ढूंढने की कोशिश करूं। जब आपका वजूद खो जाता है तो आपको किसी पर भरोसा नहीं रहता, मुझे भी ऐसा ही था, मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। वहां शाम को डॉक्टर फिर से आया और मेरे हाथ पैर की पट्टियां खोली गई क्योंकि सुबह से मैं शांत था। उसके बाद मुझे भी स्वभाव ठंडा ही दिखाना था, मैं पागल नहीं लगना चाहता था। मैंने कहा मन विचलित होता है, ऐसा लगता है अभी कुछ याद आ जाएगा लेकिन आ नहीं रहा, मुझे भागने का मन कर रहा है यहां से, ऐसा सोच रहा हूं जैसे भाग जाऊं, बाहर जाकर ढूंढूं खुद को। डॉक्टर ने कहा भाग सकते हो लेकिन जाओगे कहां, तुम्हें कुछ याद नहीं है, पागल मत बनो, बाहर जाओगे, सड़क पर जाओगे, भूख लगेगी, खाने को कोई देगा नहीं, सड़क पर आ जाओगे, खुद के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, याद है ना कुछ, पैसों से सब कुछ मिलता है। मैंने कहा हाँ हाँ सब कुछ याद है, बस खुद की जानकारी नहीं है, सड़क के नियम याद हैं, मुझे गाड़ी चलाने के बारे में भी याद है, कैसे गाड़ी चलाते हैं सब कुछ, बस जैसे खुद की जानकारी नहीं है। डॉक्टर भी कुछ रिपोर्ट बना रहा था और उसके बाद मुझे खाने के लिए बहुत सारा सामान देकर गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, मैं सोचता जा रहा था, मैं जितना दिमाग पर जोर लगाता मेरा सर उतना ही दर्द करने लगता, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। मुझे कैसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे कोट पैंट पहनना ज़्यादा पसंद है, मुझे घड़ी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इन चीज़ों की तरफ मेरा रुझान बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने भी कहा था धीरे धीरे याद आएगी, तुम्हें यहाँ समय बिताना होगा। मैंने भी सोच लिया सच में कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, कैसा परफ्यूम मैं लगाता था, खास खुशबू जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक परफ्यूम की खुशबू जो किसी लड़की की है वो भी मुझे बार बार याद आ रही थी। हो सकता है वो मेरी प्रेमिका हो या मेरी पत्नी हो, लेकिन खुद की जानकारी पहले तो मुझे पानी होगी, किस देश का हूँ मैं, यहाँ पर कैसे आया, आखिर मैं अमेरिका में कैसे पहुंच गया, यहीं का हूं तो मेरे रिश्तेदार यहां पर आने चाहिए मुझसे मिलने के लिए, 3 दिनों से कोई नहीं आया, वो लोग कौन थे, बहुत सारे सवाल थे, शायद धीरे धीरे मेरा दिमाग जवाब देता जाता। पूरी रात सोया नहीं मैं और याद करने की कोशिश करता रहा, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी यादें मेरी आंखों के सामने घूमती जा रही थी। मुझे अब तक अपना चेहरा तक याद नहीं था, तो सबसे पहले तो मैं उठा, बाथरूम में उस आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को देखने लगा। ये चेहरा ज्यादा जाना पहचाना सा नहीं लगता, ऐसा लग रहा था मेरा चेहरा बदल गया हो। अपना चेहरा जब आप आईने में देखते हैं एक अलग एहसास सा होता ही है, बड़ा बेढंगा सा चेहरा खुद का नजर आता है जबकि दूसरों का चेहरा सही नजर आता है। मैं भी आईने में देख रहा था लेकिन ये चेहरा पहचाना पहचाना नहीं लग रहा था, जैसे अलग सी आंखें, अलग सी नाक। मैं फिर से सोचता रह गया और दोबारा बेड पर आकर बैठ गया। सुबह का वक्त हो गया था, डॉक्टर फिर से मेरे पास आया, वो मुझसे पूछने लगा क्या क्या पसंद है, कुछ याद आया। मैं बताता गया क्या क्या याद आया है।
उसने रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा और मुझे कहा, बाहर थोड़ा घूमना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, बाहर निकलना चाहता हूँ इस कमरे से। मन करता है यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे बाहर मिलने का मौका मिले तो और अच्छा होगा। तो डॉक्टर ने कहा, यहाँ हॉस्पिटल के पास ही कई कमरे बने हुए हैं, वो ऐसे पेशेंट्स के लिए हैं जिनके शरीर में कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन उनकी याददाश्त चली जाए या किसी कारणवश उन्हें अस्पताल में रहना हो तो उन कमरों में भेजा जाता है। यहाँ अस्पताल के पास में ही है। मैंने कहा, हाँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। अस्पताल के इन कमरों में ऐसे एसिड की स्मेल आती है कि मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। वो हंसने लगा था और कहने लगा था, ठीक है, वहाँ भेज देता हूँ, आसपास पड़ोसियों से बात करना, वहाँ खाने का सब सामान मिलेगा, लेकिन वहाँ चारों तरफ फेंसिंग की है, उसके बाहर मत जाना, मेरी परमिशन के बिना यहाँ से दूर जाना बिल्कुल मना है, जैसे जैसे याद आता जाएगा तुम्हें आगे भी भेजा जाता जाएगा, भरोसा रखना मुझ पर, जो भी करना हो मुझे बताए बिना बिल्कुल मत करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और मुझे उस कमरे में भेज दिया गया। अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर कई कमरे बने हुए थे, वहाँ 4 दीवारी भी बनाई गई थी ताकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए। जैसे ही मैंने वो कमरा देखा मैं खुश हो गया, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं लेकिन वहाँ पर टीवी नहीं था। मैंने कहा, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, बाहर क्या हो रहा है, कौन सा समय है, तारीख है, मैं क्या किया करता था, इससे शायद याद आए। डॉक्टर ने कहा, नहीं, ऐसे पेशेंट को टीवी नहीं दिखाया जाता, वहाँ कोई घटना चल रही हो जो तुमसे जुड़ी हुई हो तो तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, सर दर्द से फटा जाएगा, तब मुझे भागकर यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ रहना है तो टीवी नहीं देख सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते। उस कमरे में मैं आधे घंटे तक बैठा रहा था, दीवारों को घूरता रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ, मन विचलित हुए जा रहा था, मैं जानकारी पाना चाहता था। मैं उस कमरे से बाहर निकला, मैं इधर उधर घूम रहा था, वहाँ और कमरों में भी कई लोग रह रहे थे, उनसे बातें करते हुए मन थोड़ा सा शांत हुआ, वो मुझसे कई सवाल करते, मैं कोई भी जवाब नहीं देता लेकिन मैं खुद बहुत सारे सवाल करता, वो हैरान हो जाते तो मैं कहता, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं जोर भी नहीं देना चाहता, डॉक्टर ने कहा है वो यादें खुद ब खुद आंखों के सामने चलना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा सब कुछ याद आ जाएगा, आपके हर सवाल का जवाब देकर जरूर जाऊंगा, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब देते जाइए। मैं उनसे तारीख जान पाया था, उनसे कौन सा दिन है ये जान पाया था, बाहर क्या हो रहा है ये जान पाया था, लेकिन कोई भी घटना बस मेरे दिमाग में जैसे थी ही नहीं, हर चीज़ नई नई लग रही थी। उसके बाद मैं घूमना चाहता था तो घरों के पिछले हिस्से में जाने लगा, वहाँ पर भी फेंसिंग की हुई थी और ये फेंसिंग बहुत आगे तक थी, पीछे का हिस्सा जंगली इलाका था, मैं उस तरफ बढ़ चला था, फिर भी मैं उस फेंसिंग के अंदर ही रहने वाला था, बाहर निकलने का यहाँ कोई रास्ता नहीं था, कोई भी जानवर यहाँ थोड़े ना आ सकता है, फेंसिंग इतनी ऊपर तक की हुई है, लेकिन बहुत आगे तक तो मैं चलता गया, उस थोड़े घने से जंगल में मैं अंदर घुस गया था और फेंसिंग के सहारे आगे बढ़ता गया, मैं काफ़ी अंदर तक गया, वहाँ पेड़ बहुत ऊँचे ऊँचे थे और थोड़ा अंधेरा सा भी लग रहा था, दिन के वक्त भी अंधेरे का एहसास हुआ था मुझे वहाँ पर, तभी मुझे एक पेड़ के पीछे आदमी नज़र आया, उसने काले रंग का चोला सा पहना हुआ था, उसने अपना मुंह भी ढका हुआ था, उसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, काले चश्मे पहने हुए थे, सर पर हुडी पहनी हुई थी और उसके ऊपर काले रंग का चोला पहना हुआ था, वो एक पेड़ के पीछे से मेरी तरफ देखे जा रहा था, मैं भी उसे कुछ देर तक देखता रहा, पहले तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में और ख्याल आने लगे, यहाँ ऐसे खाली जगह में नहीं जाना चाहिए, कोई खतरा भी हो सकता है, वो फेंसिंग के दूसरी तरफ था, मैं फेंसिंग के इस तरफ था, फिर भी मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा था, वो मेरी तरफ देखे जा रहा था, एक पल के लिए लगा मुझे कहीं ये कोई ऐसा ही पुतला तो नहीं जो यहाँ डराने के लिए लगाया गया हो, मैं थोड़ा आगे की तरफ चला तो वो मुड़ा, वो असली इंसान ही था जो मेरी तरफ घूर रहा था, उन चश्मों से वो अपनी आँखें तक नहीं दिखाना चाहता था। अब मैं भी फेंसिंग के और करीब जाकर उसे भी करीब से देखना चाहता था, वो भी पेड़ से थोड़ा सा निकला, वो आगे बढ़ने लगा था तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो, आगे मत जाओ, वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, सीधे यहाँ आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर मैंने पीछे की तरफ मुंह घुमाया था, वही आदमी था जो मुझसे इतनी देर से बातें कर रहा था, उसने मुझे इधर आते हुए शायद देख लिया था, इसीलिए आवाज़ें लगाकर वापस बुला रहा था। जैसे ही मैंने अपना मुँह आगे की तरफ किया, वो काले चोले वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था, शायद वो भाग चुका था।
अब मैं भी वापस घर की तरफ आ गया था। उससे बातें करते हुए मैं ये जानना चाहता था कि फेंसिंग यहाँ जंगल की तरफ क्यों लगाई हुई है। तो उसने कहा, यहाँ और भी घर बनने हैं, पहले से ही फेंसिंग कर रखी गई है और आगे मत जाना, वहाँ कई जगह फेंसिंग बहुत कमज़ोर है, वहाँ से कोई जानवर अंदर कभी कभी घुस भी आता है, वो नुकसान भी पहुँचा सकता है, उधर जाना मना है, वहाँ मत जाओ। मैंने उसकी बात अपने मन में गांठ बांध ली थी, वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके बाद मैं और सवाल करता गया। वहाँ एक आदमी नज़र आया था, वो पेड़ के पीछे से झांक रहा था। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और अचंभित से चेहरे को लेकर वो मुझे कहने लगा, किसी और से बात मत करना, यहाँ किसी और से बात बिल्कुल नहीं करने दी जाती, यहाँ जो भी अंदर है उससे बात करनी है, अस्पताल में जो भी हैं उससे बात करनी है, किसी और अनजान से बिल्कुल बात मत करना, बहुत खतरा हो सकता है। मैंने कहा, किसी अनजान से क्या खतरा हो सकता है, सिर्फ बात करने से ही खतरा। तो वो आदमी बताने लगा, यहाँ अस्पताल में और इन कमरों में रहने के कुछ खास नियम हैं, क्योंकि तुम्हें अभी अभी याद आना शुरू हुआ है इसलिए मैं तुम्हें नियम बता देता हूँ। किसी अनजान से बात नहीं करनी है, कोई अनजान दिखे तो उसकी तरफ चेहरा नहीं करना है, यहाँ रहने वालों से ही बात करनी है और ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि तुम्हें अभी अभी याद आया है, शायद तुम्हें नियम नहीं बताए गए होंगे। मैंने उससे कहा, क्या मतलब अभी अभी याद आया है नियम नहीं बताए गए होंगे, ऐसा लग रहा है तुम ऐसे नियमों को जानते हो। उसने कहा, हाँ मुझे भी एक महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में याददाश्त खोने के कारण यहाँ पर भर्ती करवाया गया था, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं एकदम से हैरान हो गया था, क्या तुम्हारी भी याददाश्त जा चुकी है? उसने कहा, हाँ एक महीने पहले चली गई थी, धीरे धीरे याद आ गई और अब तो मुझे लगभग सब कुछ याद है, बस कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल याद नहीं, उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी तरह से याद नहीं आता, इतना याद आता है गाड़ी सामने से आ रही थी, मैं भी अपने ट्रक में था, वो गाड़ी एकदम से टकराई ट्रक से और उसके बाद से आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, शायद मैं गाड़ी से बाहर गिर गया था, वहाँ चश्मदीदों ने यही बताया है, मैं गाड़ी से बाहर गिरा और उसके बाद धीरे धीरे मेरे सर से खून बहता गया और मुझे यहाँ भर्ती करवाया गया। पहले मुझे मिलने कोई नहीं आया था, लेकिन बहुत समय बाद जब मेरे घर वालों को पता चला वो यहाँ मिलने आए, उन्हें देखकर मुझे याद आने लगा और इसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हो चला हूँ और मुझे कुछ ही दिनों में यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, मुझे जाने दिया जाएगा। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है। इसके बाद वो मुझे छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे अचंभित कर दिया था। क्या ये अस्पताल मशहूर है, ऐसे लोगों की याददाश्त चली जाती है और यहाँ पर उन्हें रखा जाता है, मुझे मिलने के लिए भी कोई नहीं आया है। उसके बाद आंखों के सामने कुछ दृश्य से आने लगे, एक लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आए जा रहा था, ऐसा लग रहा था उसे मैं जानता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चेहरा था और उस चेहरे को मैं करीब से देख पा रहा था, जैसे वो मुझे बहुत प्यार करती हो। उसके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, लेकिन बार बार वो चेहरा धुंधला हो जाता, मैं उसे पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा था, शायद ये वो लड़की होगी जिससे मैं प्यार करता था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी जब भी वो चेहरा आंखों के सामने आ रहा था, मेरी याददाश्त आ रही थी, धीरे धीरे ज़्यादा याद आने लगेगा तब मुझे सब कुछ पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने दिमाग पर जोर डालने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और मैं अपने कमरे की तरफ आ गया। शाम के 6 बजे तक मैं कमरे में बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, क्या करूं यार, कुछ घूम कर आता हूं। बैठे बैठे टांगें दर्द करने लगी थी, जैसे आप एक जगह बैठे रहते हैं तो शरीर अकड़ सा जाता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं चुपके से घर से पीछे से निकला, उसके बाद पीछे उन जंगलों की तरफ जाने लगा, वहाँ देख कर आता हूँ, जंगल में जाऊँगा तो अच्छी हवा आएगी, खाली जगह में अकेलापन महसूस होगा, कुछ याद तो आएगा, मुझे ऐसी हरियाली देखकर खुशी तो बहुत हो रही है, इसका मतलब ये हरियाली मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। मैं चलता चलता बहुत आगे निकल गया था, मैं देखना चाहता था ये फेंसिंग कहाँ तक की गई है और जंगल के कितने अंदर तक जा सकता हूँ। काफ़ी चलने के बाद भी उसका अंत नहीं दिखा था, मैं बहुत आगे तक निकल आया था और वहाँ एक पेड़ के पीछे मुझे वो काले चोले वाला आदमी दोबारा नजर आया, मुँह पर मास्क, आंखों पर चश्मा, सर पर हुडी और पूरे शरीर पर काले रंग का चोला, वो वहाँ खड़ा मुझे घूरे जा रहा था। मैं सोचने लगा था आखिर वो कौन होगा। धीरे धीरे चलता हुआ मैं फेंसिंग के करीब चला गया, तभी मेरे कानों में वो शब्द गूंज गए, उस आदमी ने कहा था अनजाने से बात नहीं करनी है,
लेकिन अगर किसी अनजाने से बात करूंगा नहीं तो कई चीजों का पता लगा कैसे पाऊंगा। मैं उस फेंसिंग के पास जाकर उससे बात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था वो कौन है जो यहाँ जंगल में खड़ा रहता है, और वो भी फेंसिंग की दूसरी तरफ। अगर वो यहाँ आ नहीं पाता तो बाहर खड़ा खड़ा क्या करता है? यहाँ बाहर की तरफ तो जानवर भी होंगे, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं जैसे ही फेंसिंग के करीब आया था, पेड़ के पास से निकलकर वो भी फेंसिंग के करीब आ रहा था। वो उस फेंसिंग की दूसरी तरफ था, मैं इस तरफ। मैं उससे सवाल करना चाहता था, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े रहते हो? यहाँ कोई जानवर नुकसान पहुँचा सकता है। मैंने सुना है बहुत जानवर हैं अंदर और तुम्हें कोई मार भी देगा। उसके बाद वो मेरे और करीब आया और उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, माइकल। उसने कहा, क्या सच में तुम्हें याद है तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं एकदम चुप हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया है कि मेरा नाम माइकल है। मैंने ये कहा था और उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे उसी पेड़ के पास चल पड़ा था। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरा नाम मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं? मेरी याददाश्त जा चुकी है। जब मेरी याददाश्त आ जाएगी तब मुझे मेरा पूरा नाम याद आ जाएगा। अभी मुझे सिर्फ माइकल बताया गया है। मैं ये कहता रहा और वो चलता हुआ उस पेड़ के पीछे कहीं गायब हो गया। मैं आवाजें लगाता रहा लेकिन उसने और कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इतनी ही बात हुई हमें। उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा था। मन में अभी विचार थे, कौन था वो? क्या वो मुझे जानता था? क्या उसे मेरा असली नाम याद था जो वो इस तरह से पीछे हटने लगा था? कई सवाल थे और वो सवालों को मन में संजोए हुए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। अब रात का वक्त हो गया था तो मैं सोचता रह गया। लेकिन यहाँ एक और परेशानी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी कारण दिन के वक्त भी शरीर में बहुत सारी थकान रहती, और आज भी सोने की कोशिश करता तो रहा मैं, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। पूरी रात जाग कर निकाली थी और ये दूसरी रात थी जब मैं जागता रहा था। आज रात बहुत ही अजीब थी। मेरी आंखों के सामने जैसे जागते हुए सपने गुजर रहे थे। एक लड़की जिसका नाम रेचल था, वो मेरी आंखों के सामने बार बार आई जा रही थी। वो साफ चेहरा, वो शायद मेरी प्रेमिका थी। उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने, वो बड़ा सा घर जो शायद मेरा होगा, वो भी मुझे नजर आ रहा था। लेकिन मुझे अपना एड्रेस याद नहीं आ रहा था, मुझे अपना नाम याद आने लगा था, माइकल। मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक बैंक में काम करता हूँ, वो भी मुझे याद आ रहा था। मुझे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन असली एड्रेस पूरी तरह से याद नहीं था। इसलिए मैं दिमाग पर जोर डालने लगा, सर दर्द होने लगा और मुझे रुकना पड़ा। मुझे खुद जोर नहीं लगाना है, अपने आप जो जो याद आता है वही याद करना है। ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो सर दर्द होगा और परेशानी बढ़ेगी। इसके बाद मैं कम सोचने लगा, लेकिन बार बार कुछ समय बाद कुछ यादें अपने आप दिमाग में जैसे आई जा रही थी, जैसे दिमाग दोबारा से जाग रहा था, उन यादों को खुद ब खुद आंखों के सामने ला रहा था। अचानक सुबह होने वाली थी और मेरे मन में एक एड्रेस बार बार गूंजने लगा, ब्लॉक 17 हाउस नंबर 13। वो बार बार गूंजता जा रहा था और जल्दी से जाकर ये मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर खुश हो गया था, अरे बड़ी चीजें याद आ गई हैं, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है, इतनी जल्दी किसी को याद नहीं आता। सर पर चोट लगी है लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। इसके बाद मैंने कहा था, रेचल मेरी प्रेमिका, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने आए जा रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं अब उससे मिलने की जिद किए जा रहा था और डॉक्टर मना किए जा रहे थे। उसके बाद मैं इतनी जिद करने लगा कि डॉक्टर को हाँ करनी पड़ी। मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं हाउस नंबर 13 में जाना चाहता हूँ। डॉक्टर खुद मेरे साथ जाना चाहता था और दो नर्स भी उस गाड़ी में बैठ गई। मुझे उस घर में ले जाया गया। वहां मेरी आंखों के सामने जैसे ही रेचल आई, मेरी आंखें खुली रह गईं। मुझे देखकर रेचल भी हैरान थी, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं बस उसे गले लगाना चाहता था। मैं भाग कर उसके करीब गया लेकिन उसने हाथ देकर मुझे रोक दिया, क्या तुम्हें सब याद है? मैंने कहा, हाँ अभी बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी प्रेमिका हो। तो रेचल ने कहा, प्रेमिका नहीं, पत्नी। तुम्हें अभी बहुत कुछ याद आना बाकी है और मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस भी हो रही है, जैसे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं कि आखिर वहाँ एक्सीडेंट से पहले तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, हमारा रिश्ता कैसा था,
उसे जानने के लिए तुम्हें यहां रहना होगा। धीरे धीरे वो यादें जब पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, तब मैं तुमसे अच्छी तरह से बात करूंगी। मैंने देखा था रेचल की आंखों में कुछ राज छिपा हुआ था। वो इस तरह से बात कर रही थी कि वो डॉक्टर कुछ समझ ना पाए। वो बातें घुमा घुमा कर बात कर रही थी। उन बातों के कोई खास मतलब नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर की तरफ कम और मेरी तरफ ज्यादा देख रही थी। बार बार आंखें झपका रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या कह रही है। इसके बाद रेचल ने कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा। एक बार जिद अपना लो तो तुम यहां रह सकते हो। डॉक्टर कहने लगा था, नहीं, ये यहां नहीं रह सकता। जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, इसे यहां रहने नहीं दिया जा सकता। लेकिन रेचल की बातें सुनकर मैं जान गया था वो मुझे यहां रोकना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। रेचल ऐसा कहती गई तो मैंने भी जिद पकड़ ली, रहूंगा तो यहीं, वरना मैं वापस नहीं जाने वाला। डॉक्टर के साथ हाथापाई तक होने लगी थी और अंत में डॉक्टर को मानना ही पड़ा था। ठीक है, तुम कहते हो तो बात मान लेते हैं, लेकिन किसी को बताना मत। रिपोर्ट में यही कहना कि जितने दिन रहे तुम हॉस्पिटल में रहे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहे, और मैं बार बार यहाँ आकर तुम्हारे साइन लेता रहूंगा। किसी को ये बात मत बताना। मैंने हामी भर दी थी। मुझे खुशी थी मैं रेचल के साथ रह सकता हूँ। दोपहर के 12 बजे तक सारी नर्स जा चुकी थी, डॉक्टर जा चुके थे, मुझे दवाइयाँ हाथ में थमा दी गई थी, मुझे कब कब खानी है ये बता दिया गया था। आधी याददाश्त जैसे मेरी आ चुकी थी और आधी अब भी बाकी थी। बहुत सारी जानकारी अब भी दिमाग में सही तरह से नहीं छपी थी। मैं रेचल से बात करने लगा, क्या तुम्हें पता था मैं उस अस्पताल में भर्ती हूँ? रेचल ने कहा, हाँ मुझे पता था। मैंने कहा, तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई? तो रेचल ने कहा, मैंने कोशिश की थी, मुझे मना कर दिया गया। जब पूरी याददाश्त गई हुई होती है तब बिल्कुल नहीं मिलना। धीरे धीरे याददाश्त आएगी तो मैं खुद भागता हुआ आऊँगा। तुम यहाँ खुद भागते हुए आ गए, इसीलिए मैं तुमसे बात करने लगी। वरना मुझे कहा गया था अगर मैं तुम्हें देखूं भी तो वहां चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ चली जाऊं। लेकिन अब तुम्हें काफी कुछ याद आ गया है। रेचल ने यहां घर में रहने के भी कुछ नियम बनाए थे। मुझे अलग कमरे में रहना है और रेचल को अलग कमरे में। जब तक मुझे पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आ जाता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर ने कहा था जितना मैं ज्यादा याद करने की कोशिश करूंगा सर दर्द होगा। अपने आप जो याद आता जाता है उसे मैं याद करता जाऊंगा। इसी तरह यहां पर कुछ हफ्ते निकालने हैं और सब कुछ याद आ जाएगा, और हो सकता है कुछ ही दिनों में सब कुछ याद आ जाए। अब नियम बना लिए गए थे तो रेचल ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में जा सकते हो। मैंने कहा, मुझे बाहर घूमने का जैसे शौक सा है। वहां अस्पताल के कमरों में भी मैं घूमने जाया करता था, तो यहां भी घूमना चाहूंगा। रेचल ने हाँ कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगी तो मैंने हाँ कर दिया। मैं भी अब बाहर घूमने जाना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक घंटे तक मैं घर के बाहर इधर उधर देखता रहा था, घरों को पहचानने की कोशिश करता रहा था। कोई तो याद दिमाग में आएगी ही ना। आसपास के घरों को देखता रहा, लेकिन वो घर अनजाने से लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा लग रहा था अनजानी जगह पर आ गया। और रेचल को भी देखकर अलग सा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा था और मैं अंधेरे में घूमना जैसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। उस सीधी सड़क में मैं आगे जा रहा था तो आगे उन घरों के पार जंगली इलाका था। ये यहाँ भी जंगल का इलाका, यहाँ पर घूम के आता हूँ। अच्छी सड़क थी जो जंगल के अंदर जा रही थी और वहाँ पर घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ज़रा भी अनसेफ फील हुआ ही नहीं। धीरे धीरे मैं आगे जाता गया, वहाँ लोगों की संख्या कम होती गई। आगे 3 पार्क भी आई थी, मैं उन पार्क से भी आगे निकल गया और तीसरी पार्क के पास मैं अंदर जाकर देखना चाहता था यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। वहाँ पेड़ पहचाने पहचाने से लगे, वो कंटीले से पेड़ ऐसा लग रहा था देखे देखे से हैं। उनके आकार भी ऐसे थे जैसे मैंने खुद उन्हें बनाया हो। कुछ यादें आंखों के सामने घूमी, लेकिन मैं पूरी तरह से जान नहीं पाया वो यादें क्या थी। वहां मैं अकेला था जो उस बेंच पर बैठा हुआ था। तभी मेरा ध्यान पड़ा, एक पेड़ के पीछे एक आदमी मुझे देख रहा था। मुंह पर उसने मास्क पहना हुआ था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, एक हुडी पहनी हुई थी और ऊपर काले रंग का चोला। ये तो वही आदमी है जो वहां अस्पताल में मुझे मिलने आया करता था, या शायद जंगल में घूमने आया करता था। यहां भी
क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? मैं थोड़ा सा डरा और दूर से आवाज लगाकर कहा, तुम यहां भी आ गए? यहां क्या करने आए हो? उसने भी दूर से कहा, तुम्हें अपना नाम याद आ गया? मैंने कहा, हाँ मुझे मेरा नाम याद आ गया। उसने कहा, क्या सच में तुम्हें याद आया है या किसी ने कहा है तुम्हारा नाम ये है? मैंने कहा, मुझे याद आ गया, मुझे अपने दिमाग में पूरी यादें आ चुकी हैं कि मुझे कौन कौन माइकल नाम से बुलाया करता था। वो अब धीरे धीरे चलता हुआ उस बेंच के पास आया और कहने लगा, और क्या क्या याद आया है? क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? कैसे कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, क्या तुम्हें वो याद है? मैंने कहा, क्या मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे? क्या तुम मुझे जानते हो? अगर तुम्हें ये सब पता है तो जरूर तुम मुझे जानते हो। लेकिन उसने कहा, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा, यकीन करो। बस ये बताओ, तुम रेचल से मिले? मैंने कहा, हाँ तुम रेचल को जानते हो? उसने इसका जवाब नहीं दिया, बस ये कहा, सच बताओ, तुम्हें रेचल में अच्छाई नजर आई? तुम्हें ये लगा कि ये वही रेचल है जो तुम्हारे उस सपनों में आती है, तुम्हारे दिमाग में आती है? मैंने कहा, अभी इतना याद नहीं आया, लेकिन मुझे ये रेचल याद है, आंखों के सामने ये तस्वीर याद है मुझे। यहां से उसने कहा, जो सच लगता है वो सच होता नहीं, खोज करो, अपने वजूद की खोज करो। ये कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ गया और उसी पेड़ के पीछे छिप सा गया और मुझे वहीं से देखता रहा। मैं भी अब उससे दूर जाना चाहता था। उसने मन में खलबली सी मचा दी थी। उसने कुछ ऐसा कहा था जिस पर मुझे यकीन होने लगा था। रेचल, अगर वो मेरी प्रेमिका है तो इस रेचल को देखकर मन में खास कुछ होता क्यों नहीं? और ये अलग अलग सी क्यों लग रही थी? घर पहचान में क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत सारी चीजें थीं जो मेरे दिमाग में थीं और मैं वहां से दूर निकल आया। मैं अब घर जाना चाहता था। मुझे लगा वो मेरा पीछा कर रहा होगा, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे इसी चीज से डर लग रहा था। कहीं वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं? कहीं ये वही तो नहीं जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था? क्या वो मुझे जान से तो नहीं मारना चाहता? बहुत सारे सवाल मन में घूम रहे थे और मैं भागता हुआ घर के पास आ गया था। सीधा मैं घर के अंदर आया और रेचल को आवाज लगाने लगा। रेचल भी भागती हुई मेरे सामने आ गई और मैंने रेचल को कहा, वहां एक आदमी है उस जंगल में, वो मुझसे बातें करने की कोशिश करता है और उसने बहुत कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। रेचल बहुत हैरान सी हो गई थी और कहने लगी, तुमने अपनी दवाई खाई? तुम्हें दवाई खानी होगी, तुम्हें हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। वहां कोई नहीं है, जो भी तुमसे बात करना चाहता है वो तुम्हें जानता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम कम ही आते थे इसीलिए तुम्हें जानने वाला कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, जाओ जल्दी से दवाई खाओ और सो जाओ। उसने मुझे सही सा जवाब नहीं दिया था तो मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बार बार खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। बाहर शायद हवा चल रही होगी, इसीलिए थोड़ी सी हवा उस खिड़की के सहारे अंदर भी आ रही थी और बार बार पर्दों को हिलाए जा रही थी। उन पर्दों के हिलने के कारण ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई हाथ से उन पर्दों को हिला रहा हो। अचानक रात के 9 बजे उस खिड़की पर मुझे एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा उसी का था। चश्मे पहने हुए थे उसने, मुंह पर मास्क और सर पर हुडी, काले रंग का चोला। वहां अंदर से पड़ रही रोशनी के कारण कांच पर रिफ्लेक्शन हो रहा था और वो धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था। अचानक उसने एक कागज कांच पर चिपका दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं भी जल्दी से उस कांच को देखने लगा। वहां लिखा हुआ था, बेसमेंट की अलमारी में नीचे वाले पहले ड्रॉर को खोलो, उस फाइल को छिपकर वहीं पर पढ़ना और वहीं पर रख देना। ये लिखा गया था वहां पर। मैं अब बेसमेंट में जाकर देखना चाहता था, लेकिन रेचल को बताना भी चाहता था। आखिर ये कौन है, इस तरह से धीरे धीरे मुझे चीजें क्यों बता रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा राज है जो मुझे बताना चाहता है। क्या ये मेरा हेल्यूसिनेशन है? मैं जानकर ही रहूंगा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ कमरों में ढूंढने लगा, आखिर बेसमेंट में जाने का रास्ता कौन सा है? मुझे यहाँ बेसमेंट भी है इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढता रहा और किचन के पास जहाँ स्टोर रूम बना हुआ था वहाँ नीचे जाने वाला एक फट्टे का दरवाज़ा दिखा। खींचने के बाद नीचे सीढ़ियाँ नजर आईं। सीढ़ियों पर उतरते वक्त मुझे डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं हेल्यूसिनेशन की बात सच ना हो, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। लेकिन सीढ़ियाँ उतरते ही वहाँ बहुत सारी अलमारियाँ थीं, लेकिन पहली अलमारी का नीचे वाला ड्रॉर मैंने खोला,
एक फाइल मेरे हाथ लगी। ये कोई भ्रम नहीं था, असली फाइल थी मेरे हाथ में। मैं यहीं बैठे बैठे उस फाइल को पढ़ रहा था। उस फाइल में जैसे मेरी जीवनी थी, मेरे साथ क्या क्या हो रहा था उस फाइल में बताया गया था। कुछ लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने तारीखें पढ़ी तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे 10 से 15 दिन पहले लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी जान पर बनाई थी, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि दूध वाला बनकर कभी कभी वो आ रहे थे, कभी कचरा उठाने वाले बनकर वो आ रहे थे, कभी गवर्नमेंट ऑफिस से भी वो नाम लेकर आ रहे थे, आसपास के पड़ोसी भी बनकर वो आ रहे थे, उन्होंने आस पड़ोस में घर खरीद रखे थे। इसी तरह यहाँ पर कई लोग आ रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जो मेरे साथ बुरी हो रही थी, लेकिन मुझे उन चीज़ों के बारे में कुछ भी याद नहीं है और रेचल ने भी कुछ नहीं बताया है। मैं आगे के पन्ने पढ़ने लगा। उसमें बताया गया था एक खुफिया संस्था है जो सरकार से भी छिपकर काम करती है और उनके राज कोई जान नहीं पाता। वो उसे हटा देते हैं, इस तरह से हटाते हैं कि किसी को पता तक नहीं लग पाता। ये राज जो भी जानता है जैसे अचानक वो उस राज को भूल जाता है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इनके पास कि अपने राज को ये दबाए रखते हैं। कुछ तो ऐसा इलीगल करते हैं जिसके बारे में मैं खोजबीन करने लगा था। मैं इसके बारे में जानना चाहता था और यहीं तक बताया गया था। ये वही तारीख थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। शायद कुछ हुआ मेरे साथ, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। इस फाइल को पढ़कर ये तो जान गया था कोई खुफिया संस्था है जो मुझे मारना चाहती थी और हो सकता है जो मेरी याददाश्त गई है उसके पीछे भी उनका हाथ हो। मैं उस बेसमेंट से ऊपर आ गया था। उसके बाद अपने कमरे में बैठा सोचे जा रहा था आखिर क्या गड़बड़ है। सुबह तक फिर से मैं सो नहीं पाया था। जैसे मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, सुबह मैं सीधा रेचल के पास गया और रेचल से पूछने लगा। मुझे बहुत डर सा लगता रहता है, क्या मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा था? रेचल ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, मुझे याद आ रहा है जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर मैंने तुमसे कोई बात की हो तो ज़रूर बताओ, क्या एक्सीडेंट से पहले मुझे मारने की कोई कोशिश कर रहा था? रेचल मना किए जा रही थी और उसके बाद मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आस पड़ोस के लोगों पर मुझे शक था। क्या सच में मैं आस पड़ोस के लोगों से डरा करता था? क्या और लोगों पर यकीन नहीं किया करता था? रेचल मना करती रही लेकिन अचानक मैंने कहा, मुझे दिमाग में घूम रहा है जैसे कोई खुफिया संस्था, ये विचार मेरे मन में आए जा रहे हैं। ये सुनकर रेचल की आंखें जैसे खुल सी गई थी। उसने कहा, क्या और क्या याद आ रहा है? क्या कोई खुफिया संस्था? तुम्हें और क्या याद आ रहा है? इसके बाद मैंने कहा, पता नहीं, बस धुंधली धुंधली सी यादें हैं और ये सोच रहा हूँ जैसे कोई खुफिया संस्था मेरे पीछे पड़ी हो। तभी रेचल हंसने लगी थी। अच्छा, खुफिया संस्था, तो तुम एक नॉवल पढ़ रहे थे जिसमें खुफिया संस्था की जानकारी थी और उस नॉवल को तुम बहुत पसंद करते थे। वो भाग कर गई और उस नॉवल को लेकर आई और कहने लगी, ये देखो, ये नॉवल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तुम बचपन से एक डिटेक्टिव बनना चाहते थे, इसीलिए इस नॉवल को पढ़ा करते थे। इसके बारे में याद आ रही होगी, और तो कोई बात नहीं है। ये कहकर रेचल नहाने के लिए चली गई, लेकिन मैं जान गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझसे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है और वो काली हुडी वाला वो सब कुछ जानता है। लेकिन कैसे मिलूँ उससे? अब दोपहर तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन दोपहर को वहाँ पर बहुत सारी नर्स आईं और दो डॉक्टर आए। वो बार बार मेरा चेकअप किए जा रहे थे और बार बार सर पर मशीनें लगाकर ये देख रहे थे जैसे कुछ और खराबी ना आ गई हो। वहाँ उन्होंने जैसे लेटेस्ट कोई मशीन रखी हुई थी। ऐसी मशीन को मैंने पहले अस्पताल में नहीं देखा था, लेकिन अब वो बार बार चेक कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्या जानना चाहते थे, लेकिन लगभग 4 घंटों तक वो मेरे सर पर मशीन लगाकर कुछ चेक करते रहे। शायद रेचल ने उन्हें बताया होगा जिसके बाद वो आए थे। वहाँ पर शाम पड़ गई थी मेरा चेकअप करते करते, और उसके बाद जब वो डॉक्टर और नर्स गईं तो घर के बाहर 3 लोगों को खड़ा कर दिया गया। काली वर्दी के वो लोग ना तो पुलिस वाले थे और ना ही वो अस्पताल से आए थे। कौन थे वो जो घर के बाहर खड़े हो गए थे? मैंने रेचल से पूछा तो रेचल ने कहा, तुम घबरा रहे हो, इसीलिए वो सिक्योरिटी के लिए हैं ताकि तुम्हें डर कम लगे।
लेकिन मुझे उन्हीं के होने पर ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में बैठा रहा और अचानक खिड़की के पास वही काली हुडी वाला आया और उसने वहां कागज पर लिखा हुआ था, भागो। मैं अचानक बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन वो बार बार खिड़की को हिलाए जा रहा था। मुझे हर किसी से डर लग रहा था और यादें आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन हर याद जैसे असली जैसी नहीं थी, जैसे मेरे दिमाग में यादें डाली जा रही थी। अब मुझे ये जवाब इसी से मिल सकते थे। उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की, मैंने अंदर से बंद कर रखी थी। जब मैंने खोली तो उसने खिड़की ऊपर की और वो अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा लगाने को कहा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद बेड के पास आकर मेरे कान में वो बोलने लगा और कहने लगा, जो जो मैं कहता हूँ उतनी हल्की आवाज़ में ही बात करना, किसी को पता ना लग पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारी ऊंची आवाज़ कमरे में लगे उन माइक्स में पहुँच जाएंगी और सब कुछ सुन लिया जाएगा, इसलिए कान में फुसफुसाना फुसफुसाहट की आवाज़ वो पकड़ नहीं पाएंगे। मैं उससे बात करने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुमने जो जो कहा मैंने वो किया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, मुझे सच बताओ। तो उसने कहा, वो खुफिया संस्था यहाँ तक पहुँच गई है, अब वो जल्द ही तुम्हें जान से मार देंगे, उससे पहले तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जल्दी से तुम्हें यहाँ से भागना होगा अगर मरने से बचना चाहते हो, चलो मेरे साथ। वो खिड़की के बाहर पहुँच गया था और अब मुझे चुप कहते हुए उसने कहा, जल्दी मेरे साथ चलो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं, उसके साथ जाऊं या ना जाऊं। मैंने मना कर दिया और वो वहीं पर खड़ा था। उसने अपने सर से हुडी हटाई, आंखों से चश्मा हटाया और मुंह से मास्क हटाया। वो चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया था, ये मेरा ही चेहरा था, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाला, आखिर वो कौन था? वो जल्दी से भागकर वहां से आगे जाने लगा और अब मुझे भी निर्णय करना था किसके साथ जाना है। सच्चाई तो वही बता सकता है क्यों वो मेरे जैसा दिखता है। मैं जल्दी से खिड़की से कूदा और उसके पीछे भागने लगा। हमारे पीछे वो बाहर लगे सिक्योरिटी गार्ड भाग रहे थे, उनसे ज़्यादा तेज़ी से हमें भागना था। हम दोनों की रफ्तार एक जैसी, हमारा शरीर एक जैसा, हमारा चेहरा एक जैसा, आखिर कैसे? क्या वो मेरा कोई जुड़वा भाई था? हम भागते रहे और उनसे किसी तरह से पीछा छुड़ा ही लिया। एक पत्थर के पीछे छिपे हुए मुझे उसने कहा था, तुम सच्चाई जानना चाहते हो? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ जाकर तुम्हें असलियत पता चलेगी, तुम उससे पहले मुझ पर यकीन नहीं कर पाओगे, चलो मेरे साथ। वो मुझे काफ़ी दूर ले जा रहा था। जंगल से बाहर एक गाड़ी में हम बैठे और उस गाड़ी को लेकर वो मुझे 200 किलोमीटर दूर गया। वो एक वीरान जगह पर पहुंचा गया था मुझे। वहां कुछ नहीं था, बस एक पहाड़। उस पहाड़ के पार बड़ी सी एक लेबोरेटरी बनी हुई थी, लेकिन चारों तरफ फेंसिंग, उसके अंदर जाया नहीं जा सकता था। पहाड़ के अंदर से किसी तरह उसने सुरंग बना रखी थी जिसके सहारे वो मुझे वहां पर ले गया। मैं उसके साथ चला जा रहा था, सच्चाई मुझे वही बता सकता था, मैं आंखें मूंद कर उसके साथ था। वो मुझे अंदर लेकर गया। सिक्योरिटी गार्ड बाहर ज़्यादा थे, लेकिन अगर एक बार सिक्योरिटी को पार कर लें उसके बाद अंदर गार्ड कम थे और डॉक्टर बहुत ज़्यादा, वैसे ही डॉक्टर जैसे उस अस्पताल में थे। यहाँ पर डॉक्टर भरे पड़े थे। मैं उससे भी बचता रहा, उसके पीछे जाता रहा। उसने मुझे भी उन डॉक्टर जैसे कपड़े पहना दिए और खुद भी पहन लिए। उसने मुंह पर मास्क डाल लिया था क्योंकि हम दोनों का चेहरा अगर कोई देखता तो जान जाता एक जैसे हैं, शायद हम पकड़े जाते। मुझे उसने मूछें दे दी थी, मैंने वो मूछें लगा ली और अब हम डॉक्टर के बीच चले जा रहे थे। कोई भी हमारी तरफ अचंभित रूप से नहीं देख रहा था, शायद हमें कोई पहचानता ही नहीं था। वो मुझे एक खास जगह ले जाना चाहता था जहाँ जाकर वो मुझसे बात करना चाहता था। वो मुझे बड़े से हॉल में लेकर गया। वहाँ बहुत सारे कंटेनर पड़े थे। उन कंटेनर में बिना कपड़ों के इंसानों को जैसे लटकाया गया था। उनकी आंखें बंद थी, शरीर कांप रहा था, धड़कन बिल्कुल बंद आ रही थी। उनके शरीर पर जैसे कुछ केमिकल डाले जा रहे थे, कभी तो शरीर एकदम से फूल जाता, कभी छोटा बन जाता। वहाँ लिक्विड उन पर लगे जा रहा था, शरीर मोटा हो जा रहा था। वहाँ हम और आगे पहुँचे, वहाँ छोटे छोटे जीव थे जो धीरे धीरे बड़ा आकार ले रहे थे। वो यहाँ पर इंसानों को बना रहे थे। ये क्या है?
वो मुझे और आगे ले जाता गया। एक कंटेनर के पास जब मुझे वो लेकर गया, मैं हैरान हो गया। हम जैसा दिखने वाला तीसरा इंसान, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर क्या ये सपना है या सच्चाई है? मैंने उससे पूछा, अब मुझे सच बता दो, मुझसे रहा नहीं जाता। क्या हुआ है हमारे साथ? क्या हम जुड़वा हैं? क्या हम तीनों की शक्ल एक जैसी है? तो उसने बताना शुरू किया, अपनी कलाई आगे करो। मैंने अपनी कलाई आगे की। उसने यूवी रेस मेरे कलाई पर मारी और वहां पर एक बार कोड बना हुआ था। उसने कहा, तुम्हें पता है इस बार कोड का मतलब क्या है? इस बार कोड का मतलब है क्लोन बनाए जा रहे हैं यहां पर। ये जो है ये भी क्लोन है। मैं हैरान था, आखिर मेरे क्लोन क्यों बनाए जा रहे हैं? इसके बाद उसने कहा, क्लोन इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि असली को गायब किया जाए, उसकी जगह क्लोन रखा जाए। क्लोन को फंक्शन किया जा सकता है, उसका बिहेवियर फंक्शनल किया जा सकता है। ये गुप्त संस्था क्लोन भरकर अपने काम के लिए इंसानों को जमा कर रही है। इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यही तो है द वर्ल्ड ऑर्डर। इन्हें ल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। ये हमारे बीच ही हैं। कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान जो इनके साथ काम करता है इनके द्वारा बनाया गया ही होता है। मैंने कहा, तो हम क्या करेंगे? तो उसने कहा, कुछ तो करना होगा। वो उसे भी नहीं पता। अब मेरी आंखों में भी बहुत सारी यादें थीं और मैं उसे सच मान रहा था। मैंने कहा, तुम मेरी क्लोन हो, लेकिन तुम्हें क्यों बनाया गया? और उसके बाद जो उसका जवाब था, मैं सोच नहीं सकता था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा क्लोन नहीं हूं, तुम मेरे क्लोन हो। तुम एक क्लोन हो, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम्हारे अंदर जितनी भी यादें धीरे धीरे उभर कर आ रही हैं, वो मेरी यादें हैं। ये मुझे मारना चाहती थी और लगभग मार भी दिया था, लेकिन मैं वहां से भाग निकला, जिंदा बच गया। लेकिन मेरा खून ये ले चुके थे, इसलिए क्लोन बना लिया था इन्होंने। मैं बस बच निकला, सच्चाई जान गया था मैं। इसीलिए मेरे क्लोन को, यानी तुम्हें मेरी जगह लाना चाहते थे। तुम्हें अपने हिसाब से यादें देना चाहते थे। मैं छिप छिप कर तुम्हें मिलता रहा, सच्चाई बताने की कोशिश करता रहा। तुम एक क्लोन हो जो मेरी जगह लोगे, इसीलिए मैं सच तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन इन्हें तुम पर भी शक हो गया, इसलिए तीसरा क्लोन और बनाया जा रहा है। इस क्लोन को तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह रखा जाएगा। ये संस्था ऐसे ही काम करती है, क्लोन के आगे क्लोन बनाती जाती है। हम इंसानों को अपने अधीन करना चाहती है और वो इसमें कामयाब भी हो रही है। मैंने अब उससे पूछा था, तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे मरना होगा? तो उसने कहा, नहीं, हमें जिंदा रहना होगा। भले ही तुम क्लोन हो, लेकिन एक भाग तुम भी हो। तुम भी जिंदा हो, और हमें इस तीसरे क्लोन को भी जिंदा करना होगा। हमें अलग से इनसे लड़ना होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ये लड़ाई ज़रूरी है। ये जानकारी बाहर पहुँचेगी, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। हमें अलग संस्था बनानी होगी। हम तीनों वहाँ से निकले थे और तीसरा तो लाश की तरह था, जो कुछ याद कर ही नहीं पा रहा था। उसे तो हमने किडनैप किया था। हम दोनों उसके जैसे दिखने वाले, वो याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी यादें उसमें डाली। उसे अभी फंक्शन नहीं किया गया था, प्रोग्राम नहीं किया गया था, तो हमारी यादें उसके अंदर थीं, जो कुछ दिनों में उसे पूरी तरह से याद आ गई। हम तीनों उस जगह से बहुत दूर निकल आए थे और धीरे धीरे लोगों को एक साथ लेने लगे। ये संस्था दुनिया पर राज करना चाहती है और हमें इससे बचते हुए इसका मुकाबला करना होगा। किसी आम इंसान को हम बता नहीं सकते, कोई हम पर यकीन नहीं करेगा, हर कोई हंस देगा। लेकिन हमारी खुफिया संस्था भी इसी तरह से काम करने लगी है। हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, वो अधीन करना चाहते हैं। उनकी संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है और हमारी सोच उनसे बहुत आगे है। कभी कभी लगता है हम उससे बच रहे हैं, कभी कभी लगता है हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये एक भविष्य का युद्ध है जो अभी लड़ा जा रहा है, लेकिन लोगों को पता तक नहीं। हम उन्हीं के बीच रहते हुए ये युद्ध लड़ रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है और लोगों को पता तक नहीं, क्योंकि उनके क्लोन मरे हुए लोगों की जगह ले रहे हैं। यहाँ खून खराबा हो भी रहा है और नहीं भी।
भविष्य का युद्ध अभी से लड़ा जा रहा है और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। जिन लोगों को लगता है खुफिया संस्थाएं नहीं होती, शायद वो सच्चाई जानते ही नहीं। हमारे बीच ही कई खुफिया संस्थाएं हैं जिनका मोटिव अलग होता है, वो अलग लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और शायद और भी कई खुफिया संस्थाएं उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होंगी। हमें बस उनसे संपर्क करना है और भविष्य के युद्ध में उन्हें हराना है। इल्यूमिनाती, कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग झूठ मानते हैं।